तापमान गिरने के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी पहुंचाने के लिए खास उपाय किए जा रहे हैं। जानवरों की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनके बाड़ों को कंबल ढकने के अलावा उनके खान पान में भी बदलाव किया जा रहा है। देखिए, सर्दियां हो या गर्मियां, जब भी मौसम बदलता है तो चिड़ियाघर में बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। जब गर्मी आई थी तो हम लोगों ने धूप से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए हमने व्यवस्थाएं की थी, और अब जब ठंड का मौसम आ गया है तो उनको गर्म रखने का प्रयास किया जा रहा है। सारे जानवर जो हैं उनके बैठने की जो जगहें हैं वहाँ पर पुआल डाल दिया गया है, सांपों के लिए कंबल का इंतजाम कर दिया गया है, और खाने में धीरे धीरे बदलाव किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जहां पर हमारे दरवाजे हैं वहां लकड़ी के दरवाजे लगाकर रात को बंद करने की व्यवस्था कर दी गई है ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि सर्दियों में मगरमच्छ और सांप जैसे ठंडे खून वाले जानवर शीत निद्रा में चले जाते हैं, जिससे उन्हें कम खाने की जरूरत पड़ती है। देखिए, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे घड़ियाल, मगर और सांप, इनको और या फिर बड़ी छिपकलियां, उनको हम ऐसी व्यवस्था देते हैं कि उनको कम से कम खाना इस मौसम में दिया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी की एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाती है, तो बॉडी एक्टिविटी मिनिमाइज होने से उनको भूख भी कम लगती है। अगर हम खाना डालेंगे भी तो वो नहीं खाएंगे। नेचुरल हैबिटेट में आपने देखा होगा इस समय में आपके सांप बहुत कम निकलते हैं, बरसात में, गर्मी में आपने देखा होगा सांप के साथ एनकाउंटर बहुत होता है, क्योंकि उस समय में इनकी बॉडी एक्टिव रहती है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की। इस समय में जब बॉडी की एक्टिविटी नहीं है तो बहुत ज्यादा खाना देना भी उचित नहीं है, और वो प्रोटोकॉल भी इसी तरह का निर्धारित किया गया जिसको हम फॉलो करते हैं। लखनऊ के प्राणी उद्यान में तरह तरह के जानवर, चिड़िया और सरीसृप हैं। ये पार्क 72 हेक्टेयर में फैला है। तापमान गिरने के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी पहुंचाने के लिए खास उपाय किए जा रहे हैं। जानवरों की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनके बाड़ों को कंबल ढकने के अलावा उनके खान पान में भी बदलाव किया जा रहा है। देखिए, सर्दियां हो या गर्मियां, जब भी मौसम बदलता है तो चिड़ियाघर में बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। जब गर्मी आई थी तो हम लोगों ने धूप से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए हमने व्यवस्थाएं की थी, और अब जब ठंड का मौसम आ गया है तो उनको गर्म रखने का प्रयास किया जा रहा है। सारे जानवर जो हैं उनके बैठने की जो जगहें हैं वहाँ पर पुआल डाल दिया गया है, सांपों के लिए कंबल का इंतजाम कर दिया गया है, और खाने में धीरे धीरे बदलाव किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जहां पर हमारे दरवाजे हैं वहां लकड़ी के दरवाजे लगाकर रात को बंद करने की व्यवस्था कर दी गई है ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि सर्दियों में मगरमच्छ और सांप जैसे ठंडे खून वाले जानवर शीत निद्रा में चले जाते हैं, जिससे उन्हें कम खाने की जरूरत पड़ती है। देखिए, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे घड़ियाल, मगर और सांप, इनको और या फिर बड़ी छिपकलियां, उनको हम ऐसी व्यवस्था देते हैं कि उनको कम से कम खाना इस मौसम में दिया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी की एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाती है, तो बॉडी एक्टिविटी मिनिमाइज होने से उनको भूख भी कम लगती है। अगर हम खाना डालेंगे भी तो वो नहीं खाएंगे। नेचुरल हैबिटेट में आपने देखा होगा इस समय में आपके सांप बहुत कम निकलते हैं, बरसात में, गर्मी में आपने देखा होगा सांप के साथ एनकाउंटर बहुत होता है, क्योंकि उस समय में इनकी बॉडी एक्टिव रहती है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की। इस समय में जब बॉडी की एक्टिविटी नहीं है तो बहुत ज्यादा खाना देना भी उचित नहीं है, और वो प्रोटोकॉल भी इसी तरह का निर्धारित किया गया जिसको हम फॉलो करते हैं। लखनऊ के प्राणी उद्यान में तरह तरह के जानवर, चिड़िया और सरीसृप हैं। ये पार्क 72 हेक्टेयर में फैला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।